अभी हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है हिंदी सत्र में। सभी को नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। जी, तो हम लोगों ने अभ्यास एक शुरू किया है और इस पे हम लोगों ने कल असाइनमेंट लिया था। इसको लेकर यदि कुछ शेयरिंग हो, कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। तो किसी भी समय जो आपके लिए उपयुक्त हो, ऐसा समय जब आपके आराम में होने की संभावना हो और जब आपको तत्काल बाहर किसी गतिविधि में शामिल होने की आवश्यकता न हो, तो 20 से 30 मिनट के लिए अकेले एक शांत जगह पर बैठें और अपनी कल्पनाशीलता में जो कुछ भी आप में चल रहा है उसका निरीक्षण करने का प्रयास करें और अपने निरीक्षण को नोट करें। ये काम हम लोगों ने कल शुरू किया है। अभी जो हम लोगों ने चर्चा की बीते दिनों में इस बैच 10 में, तो देखे तो हम लोगों ने यहाँ से बात शुरू की कि सुख स्वभाव है या प्रभाव। ये ध्यान में आया कि सुख स्वभाव है जब वो सही समझ, सही भाव, सही विचार के आधार पर है। अन्यथा हम बाहर से कुछ सुख लेने का प्रयास करते हैं एक प्रभाव के रूप में, को अनुकूल संवेदना मिल जाए, को अनुकूल भाव दूसरे से मिल जाए। तो सुख स्वभाव कैसे बने, इसके लिए हम ये अभ्यास कर रहे हैं। सुख का स्रोत मेरे भीतर कैसे हो, इसके लिए हम अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास 1 में हम स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। 3 अभ्यासों की बात हुई थी। 3 तरह की वास्तविकताएं हैं, चैतन्य, जड़ और व्यापक यानी अस्तित्व। तो चैतन्य को चैतन्य द्वारा देखना, जड़ को चैतन्य द्वारा देखना और व्यापक अर्थात अस्तित्व को चैतन्य द्वारा देखना, ये 3 अभ्यास हैं। अभ्यास 1 में हम चैतन्य को चैतन्य द्वारा देखने का अभ्यास कर रहे हैं और उसी क्रम में असाइनमेंट हमने लिया था। जी हाँ, नमस्ते भैया। जी नमस्ते। भैया जी, भैया ये मैं जो मॉर्निंग के जो अभ्यास थे ये मैं कल मैंने किया था, और भी कुछ दिन से मतलब स्लोली स्लोली ये दिमाग में आ रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अवॉइड करती हूँ ये अपने अपना ऑब्जर्वेशन। तो अवॉइडेंस के पीछे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये देखना नहीं चाहती कि मेरे अंदर कितनी अव्यवस्था है, या मैं मतलब लाइक इतनी बुरी हूँ, इतनी खराब हूँ, या इतनी गलत हूँ, या ये वाली सारी चीजें। तो जैसा कि पिछले सेशन में बताया था कि अगर दृष्टापद से अपने को देखेंगे तो ये इन सारी चीजों को सहजता से देख पाएंगे। तो मतलब ये मेरे को एक अपने में दिखा कि मैं दृष्टापट से नहीं देख पाती हूँ, तो मतलब लाइक मैं अवॉइड करना ज्यादा प्रेफर कर रही थी इसको बजाय देखने के। तो एक तो ये चीज मुझे ऑब्जर्व हुई, और दूसरा ये कि जब ऑब्जर्व करने बैठती हूँ तो थॉट रुक जाते हैं, और थॉट चलने लग जाते हैं तो ऑब्जर्वेशन रुक जाता है। पर देख लगातार कोशिश कर रही हूँ, वैसे थ्रू आउट द डे थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वेशन रहता है वो, बल्कि कई बार मुझे ज्यादा कंटिन्यूअस लगता है रादर देन कि आधा घंटा बैठ करके मैं देखूँ उसको। पर मैं दोनों ही प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखूंगी। एक बात तो ये थी, और दूसरा ये था कि अभी मैंने 20 तारीख वाला UHV 1 किया था, तो उसमें जो समझ आया कि जैसा आपने बताया कि सुख स्वभाव है या प्रभाव, और इसको देखने की जो प्रोसेस था समझने का, तो उसमें जो सहज स्वीकृति वाला भाव क्लियर हुआ, और ये बहुत ज्यादा क्लियर हुआ मुझे कि मेरे में प्री कंडीशनिंग का एलिमेंट बहुत हद से ज्यादा है, और एक बहुत बहुत डीप प्री कंडीशनिंग अभी 2-3 दिन के अंदर दिखाई दी। और वो ये थी कि बचपन से मैंने ये मान लिया था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, एंड निश्चित रूप से ये जो प्री कंडीशनिंग बनी थी वो विश्वास टूटने से ही बनी थी। पर ये सब चीजें पता तो थी नहीं, और उस प्री कंडीशनिंग से ही पूरी लाइफ को जिया है, तो लाइफ वाज ऑब्वियसली एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल रहेगी ही रहेगी। ऐसे ऐसे आप लोगों को साथ ही नहीं रखना चाहते, उनसे मदद भी नहीं लेना चाहते, तो वो कांस्टेंट विरोध मेरे में रहा था। तो उनमें वो मुझे जो विरोध होता था वो तो मुझे नहीं दिखाई देता था, और लेकिन उस विरोध की वजह से मैं बहुत मेहनत करके मतलब जो भी उपलब्धियां रही तो उससे मेरे को बहुत बड़ी खुशी और वो रहता था। तो उस वो उपलब्धियां मिल जाने की वजह से मतलब जो विरोध अंदर चल रहा था वो एक तरीके से सबसाइड हो जाता था, दब जाता था।
लेकिन करते करते ये दिखने तो लग गया था कि कुछ तो सही नहीं है, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, और क्या है उसको पिन पॉइंट नहीं कर पाते थे। तो अभी जो रिसेंटली जो चल रहा था, ये दो तीन चीजें साथ साथ चल रही थी, तो पिछले 2 साल से मेरा बेटा मेरे यहाँ पे साथी था, एंड काफी स्ट्रगल हमारे बीच में रहा। वो ग्रेजुएशन करके आया था, 3 4 साल बाहर ही था, तो आया था तो लाइक मतलब उसने उसको मेरा बहुत ज्यादा विरोध दिखता था, जबकि मुझे लगता नहीं था कि मैं ऐसा कोई विरोध कर रही हूँ। लेकिन खैर, एक दिन काफी आंधी तूफान के बाद में फिर मुझे उस दिन बस उसके बाद में इम्प्लीमेंट हो गया कि मैंने विरोध करना बंद कर दिया। रियलाइज मुझे बाद में हुआ कि हुआ क्या है। तो इस बात को 1 महीना हो गया जब मैं ये देख पा रही हूँ कि मेरे में उसके अंदर बिल्कुल भी विरोध का भाव नहीं है। तो ये बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि हुआ क्या है, और मुझे इस बात पे बड़ी खुशी हुई। एक तो संबंध स्थापित होने की वजह से, दूसरा ये कि समझ आ गया कि अच्छा, ये भाव पकड़ में आया है मुझे, स्नेह वाला। और ये चीज मुझे बहुत पहले से दिख रही थी कि मेरे में भावों की कमी होने की वजह से ही हैज सफर्ड सो मच। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी अपनी इस मान्यता वाली दीवार को लांग नहीं पाती थी। वो इतनी स्ट्रांग होती थी कि सब पता होता था कि ये करना है मुझे, लेकिन फिर भी मैं कर नहीं पाती थी। तो ये जो सारी चीजें, जो क्लैरिटी हुई है, ये मॉर्निंग प्रैक्टिसेस से हुई है कि मैं वापस जाके देख पा रही हूँ और मैं जान पा रही हूँ कि सहज स्वीकृति क्या है और मुझे करना क्या है। तो ये प्रोसेस संभव हो पाया कि मैं अपनी प्री कंडीशनिंग को तोड़ करके नया स्टेप ले पा रही हूँ। तो अब ये भी दिख रहा है कि जब एक के साथ हो गया तो मेरी थोड़ी हिम्मत बंधी है कि मैं औरों के साथ में भी इसको कर पा रही हूँ। या जहाँ बहुत विरोध का भाव मेरा हमेशा से रहा था, मैं वहां पे भी स्नेह को एस्टेब्लिश कर पा रही हूँ, जो मैंने 2 3 दिन पहले अभी स्टार्ट भी किया है। और मैं मतलब अडिग रही उस पे, मतलब मेरे को मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं विरोध करूं। ये वाला मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहती थी। धन्यवाद भैया। बढ़िया दीदी। तो कुछ प्रश्न भी होंगे आपके या फिर ये सिर्फ शेयरिंग थी? कोई आपको डायरेक्शन देना हो तो, अदरवाइज मेरी तरफ से तो इतना ही लगा मुझे। अच्छा, देखिए, जो पहली बात आपने बताई तो उससे, और जो दूसरी बात बताई से जुड़ी हुई है, ये हो सकता है कि अभी हमारे विचारों में बहुत सारा कोलाहल है, बहुत सारा उथल पुथल है और भाव निश्चित नहीं हुए। तो इन जनरल है ना, जब मैं अपने आप को देखने जाती हूँ तो उसमें बहुत सारा उथल पुथल दिखाई देता है, इसलिए घबरा कर बाहर आ जाते हैं, देखना रोक देते हैं। और फिर भी जब अपने आप को एक निर्णय लेकर देखने जाते हैं तो जो उथल पुथल बहुत सारा चल रहा था वो बीच में कभी कभी नहीं रहता, तो ऐसा लगता है जैसे कोई विचार नहीं चल रहा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फोर्सफुली अपने अंदर देखने का बहुत सारा अभ्यास हमने किया हो। तो जो स्टेप 1 में हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 के, कि जस्ट जैसा है वैसा देखें उसको, तो उससे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, उसका मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं है, उसको जैसा है वैसा देखने की जरूरत है। और स्वीकारेंगे भी, जब देखेंगे तो स्वीकारेंगे भी, तो स्वीकृति भी बनती चली जाएगी। दूसरी बात जो दिख रही है कि ऐसा हो सकता है कि हमारी जो आशाएं बनी रही हैं बाहर से, वो बहुत सारी मान्यताओं के आधार पर बनी रही हैं और वो आशाएं पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए क्षोभ है अपने अंदर, संबंधों को लेकर या आसपास के परिवेश को लेकर बहुत सारा अपने अंदर दुख बना हुआ है, और इसलिए एक अविश्वास सा पैदा हो गया है कि भाई संबंध में सुख रूप नहीं जिया जा सकता, या दूसरे लोग हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं जी सकते, नहीं चल सकते, हमें पूरा नहीं कर सकते। तो इस कारण से भी कई बार वो जो संबंधों में अविश्वास वाली स्थिति बढ़ जाती है वो हो जाती है। और जो तीसरी बात आपने बताई वो तो ठीक बात है, अच्छी बात है कि जब आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया उसमें परिमार्जन दिखाई देने लगा है। बिल्कुल, तो अगर आप उसमें और संवाद भी करें, जैसे अपने ऊपर काम तो किया बट अपने बच्चे के साथ आपने संवाद किया नहीं किया, वो शेयरिंग में नहीं आया, अगर आप वो शेयर भी करें तो फिर बच्चा भी आपको और कुछ चीज़ों पर ध्यान आकर्षण करा पाएगा जहाँ हम गलत थे, और जहाँ बच्चा गलत था वहाँ हम भी ध्यान दे पाएंगे। तो वो शेयरिंग, वो डायलॉग होना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये सामयिक रूप से आपने अपने अंदर कुछ चीज़ों का विश्लेषण करके बैठा लिया कि हाँ अब मैं बच्चे के प्रति विरोध का भाव नहीं रखती हूँ, बट ऐसा हो नहीं, तो ये एक टेम्पररी अजम्पशन भी हो सकता है। तो बेहतर है उसको एक संवाद का रूप दें,
और संवाद करें बच्चे के साथ, ठीक है, उसको सुनें। हो सकता है पहली बार में वो भी अग्रेसिव होकर बात करे, या फिर जितनी आपको कमी अपने में रहती है उससे ज्यादा कमियां बताए, ऐसा शुरुआत में हो सकता है। उसको सुन लें, देख लें, थोड़ा आपके लिए परेशानी कारण हो सकता है, बट वो अगले व्यक्ति को खुलने में सहयोग करेगा। हाँ जी फिर भैया, और फिर जी हाँ वो संवाद तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक्चुअली शुरू में वो मेरी कमियां बहुत दिखाता था तो मैं रिएक्ट करती थी। फिर अब ये है कि मतलब ही गॉट टू नो कि मतलब लाइक स्टेजेस होती हैं, और कई बार मुझे उसकी बात सही भी नहीं लगती थी, लेकिन अब जो पिछला 1 महीने से जो चल रहा है तो मतलब बहुत ही ओपन संवाद हो गया है, और उसमें मतलब ही इज नॉट होल्डिंग बैक हिमसेल्फ, तो वो, और मुझे भी लग जी रहा है कि मैं हाँ सुन पा रही हूँ अगर वो कोई कमी बताए तो। मतलब मुझे ये बहुत ज्यादा लगता है कि संवाद के नाम पे जो आता है वो यही आता है कि तुमने ये नहीं किया, तुम यहाँ गलत हो, तो मुझे फिर वो मतलब मैं बहुत रिएक्ट करती हूँ फिर मैं उसके लिए। तो वो भी एक थोड़ा थोड़ा एक आवश्यकता मतलब मुझे लगी थी कि मैं सुन पाऊँ, तो वो भी थोड़ा थोड़ा एक स्टेप बना है मेरा। बेटे के साथ में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो वहां तो संवाद बिल्कुल ओपन हो गया है हम दोनों की तरफ से ही। बहुत बढ़िया जी। इनफैक्ट जी भैया, संवाद में जो समान रूप से कठिनाई है वो इसी प्रकार की है कि मुझसे गिलास टूट गया, तुमने तोड़ दिया, चाहे हम ये भाव रखते हैं या अगला ये भाव रखता हो, यही हमारे संवाद में कठिनाई बन जाती जी भैया है। तो बिल्कुल बढ़िया जी। जी भैया। और दीदी पहले ले लें, एक स्टेप पहले इसे। अच्छा ये तो हो गया, ठीक है, इस पे चलते हैं। तो स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना, हर क्षण इस अभ्यास को करना है। तो इसमें निष्कर्ष रूप में ये बन सकता है कि मैं जो चैतन्य निकाय हूँ, स्वयं को देख रहा हूँ, स्वयं के प्रति सजग रहना है मुझे। एक आसान तरीका है, अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग रहना है। तो 1A में जो बात कही जा रही है कि अपनी कल्पनाशीलता को देखें, कल्पनाशीलता में चल रही इच्छा विचार आशा को देखें। तो मैं स्वयं चैतन्य के द्वारा स्वयं को देख रहा हूँ, अपने में चल रही कल्पनाशीलता को देख रहा हूँ, बिना मूल्यांकन किए, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना उसको रोकने बदलने का प्रयास किए, जैसा चल रहा है वैसा ही देखना है, देखने के निर्णय को बनाए रखना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये कल चर्चा हुई थी इस पे, इस पर हम लोग 5 मिनट ऑब्जर्व करते हैं, उसका फिर आगे चर्चा करेंगे। तो ये 5 मिनट का ऑब्जर्वेशन का लगा दीजिए, फिर चर्चा करेंगे। समय है तो थोड़ा ज़्यादा भी हम लोग समय ले सकते हैं। जी बढ़िया। तो इन बिंदुओं पे अपने निरीक्षण से यदि आपके कोई प्रश्न बनते हो, शेयरिंग हो, तो रख सकते हैं। अपने जो साथी पहले से भी इस अभ्यास को करते रहे हैं उनके लिए जो प्रस्ताव भी रखा गया है वह कुछ नया नहीं है, बात को वो सुनते रहे हैं, परंतु आप पाएंगे कि इसको अपने आप में देख पाना, कल्पनाशीलता को सजगता पूर्वक, ये हो सकता है काम अभी बचा हुआ है, अपने भाव को ठीक ठीक देख पाना बिना मूल्यांकन किए, बिना प्रतिक्रिया किए भी बचा हुआ है, उसको भी करें। जो नए साथी हैं वो इन स्टेप्स को और बारीकी समझने का प्रयास करें कि कहा क्या जा रहा है। तो पहले स्टेप में ये कहा जा रहा है कि मुझे कल्पनाशीलता के प्रति सजग होना है। अब कल्पनाशीलता क्या होती है, तो उसको ऐसे देख लें कि जो कुछ भी मेरे अंदर चल रहा है, तो आप देखेंगे कि जब मैं इसको ऑब्जर्व करने जाता हूँ कि क्या मेरे अंदर चल रहा है, तो मुझे हो सकता है शुरुआत में उसी बिंदु पकड़ा है जिस पर कल्पनाशीलता चल रही है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने ध्यान देना शुरू किया तो मुझे घर की याद आ गई, घर में माँ पिताजी की याद आ गई, माँ पिताजी के साथ जो भी कोई घटना की याद आ गई, घटना में किसी मित्र की याद आ गई, उस मित्र से कोई दूसरी घटना याद आ गई। तो आपकी जो कल्पनाशीलता है एक बिंदु से दूसरी बिंदु से तीसरे से, है ना, स्वान एक ऐसे चल रही है, जा रही है यहाँ से वहां जा रही है। तो पहले तो उसको ही देखने का प्रयास करें कि ये कल्पनाशीलता के जो बिंदु हैं मुझे पकड़ में आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि
किस मुद्दे पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, वो मुद्दा मुझे स्पष्ट हो रहा है कि नहीं, जिसको ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन कहेंगे, है ना, जिसमें मेरी कल्पनाशीलता अभी चल रही है, वो मुझे क्लियर है कि नहीं, उसको चाहें तो आप कुछ दिनों तक बिंदुवार ढंग से लिखने का प्रयास करें, जैसे अपने आप में देखा और उसको लिख दिया कि हाँ इस पे मेरी कल्पनाशीलता गई, कहाँ कहाँ मेरा ध्यान गया, है ना, इसको लिख लें तो मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है, और फिर उसको बारीकी से ऑब्जर्व करें, एक एक बिंदु को ऑब्जर्व करें, कहाँ ध्यान गया कहाँ ध्यान गया, तो छूटे नहीं, ठीक है ना, फिर आप पाएंगे कि एक बार इस काम को आप कर पाते हैं तो हर एक बिंदु पे जिसका आपका ध्यान गया वहां कोई ना कोई भाव जुड़ा हुआ था, माता पिता की ओर ध्यान गया तो कोई भाव जुड़ा हुआ है, मित्र की ओर ध्यान गया कोई भाव जुड़ा हुआ है, किसी घटना पे ध्यान गया वहां भी कोई भाव जुड़ा हुआ है, इस भाव को आप आस्वादन भी कर रहे होते हैं साथ साथ, कोई भाव जुड़ा हुआ है, फिर आप पाएंगे एक बिंदु पे जब ध्यान जाता है तो वो बिंदु अपने आप में फिर फैलता है, जिस पे भी ध्यान गया, माता पिताजी पे ध्यान गया तो पहले तो एक बस बिंदु के रूप में आया, फिर उनका चेहरा दिखने लगा, है ना, उनका व्यवहार दिखने लगा, उनका बोलचाल दिखने लगा, वो किस तरह से आपका ध्यान रखती रही है ये दिखने लगा कि नहीं, तो फैला, तो ये हमारे अंदर कल्पनाशीलता में ऐसे किसी बिंदु पे ध्यान जाता है, फिर वो फैलता है, तो फैलता है तो विश्लेषित होता है, बहुत सारे भाग बनते हैं उसके, अब माता पिता पहले एक जैसा था, अब माता हो गई पिता हो गए, तो विश्लेषित हुआ ना, माता पिता से ध्यान गया तो माता और पिता दो लोग हो गए, फिर उन दोनों का शरीर, उनका व्यवहार, उनका लुक कैसा है, उनका बोलचाल चाल ढाल सब कैसा है, इस पे ध्यान गया, अब वो विश्लेषित हो रहा है, और फिर आप पाएंगे कि उसमें से किसी एक भाग को लेकर आप दूसरी चीज पे ध्यान दे जाते हैं, अब ध्यान दे ही रहते तब तक आ गया कि मित्र मिलने आया था उनसे और उन्होंने इस ढंग से उसका केयर किया था मेरे मित्र का, तो मित्र पे ध्यान चला गया, मित्र से फिर मित्र क्यों आया था, तो कभी बात हुई थी कि मिलने आ जाना, हो सकता है मैं घर पे न रहूं, माँ पिताजी रहेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही घर समझना, तो घटना पे ध्यान गया, तो उस घटना पे ध्यान गया, फिर वहां से कुछ और ध्यान गया, तो आप पाएंगे कि हमारा ध्यान ऐसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता जाता है और हर एक बिंदु विश्लेषित होता है, ठीक है ना, फिर उस विश्लेषित होने के बाद एक भाग पे फिर नए सिरे से ध्यान जाना शुरू होता है, तो आपको एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का जो अंतर संबंध है वो भी दिखाई देगा, मेरा ध्यान माता पिता की ओर गया कैसे, माता पिता से उस मित्र की ओर गया कैसे, मित्र से घटना की ओर गया कैसे, है ना, तो आपको अपना भाव और पकड़ में आएगा, तो मुख्य रूप से हमको अपने भाव को देखना है, और इस जो स्टेप वन में काम कर रहे हैं उसमें ये कर रहे हैं कि हम उसको बदले नहीं, मूल्यांकित ना करें, अच्छा है बुरा है खराब है पसंद है नापसंद है ना, अरे ये कहाँ से आ गया, मैं तो ऐसा हूं नहीं, है ना, ये झूठा है सच्चा है, वो आदमी अच्छा है वो बुरा है, अभी ये सब नहीं करना अपने को, अभी अपने को जस्ट जैसा वैसा देखना है, क्योंकि मेरी इस क्षण की जो स्थिति है उसके प्रति अवेयर होना है, तो मेरी कल्पनाशीलता में भाव भी है विचार भी है आशा भी है, तो आप आएंगे कि आप कभी कंफर्टेबल फील करेंगे कभी अनकंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है ना, तो वो भाव का भी आस्वादन होता रहता है, कोई भाव बना हुआ है वो भी आपको स्पष्ट हो जाता है, ये भाव बना हुआ है संबंध का भाव है विरोध का भाव है, इस रूप में हमको अपने आप में ऑब्जर्व करते जाना है स्टेप वन में, और अपने आप से संघर्ष नहीं करना है, उलझना नहीं है, ठीक, उसको कोई लेबल नहीं चिपकाना है अच्छा है कि बुरा है, घबराने परेशानियों की बहुत जरूरत नहीं है ना, आप में ही चल रहा है, वही है कि बस अनकवर हो गया है, तो घबराने परेशानियों की जरूरत नहीं है, ना उससे कुछ भागने की जरूरत है ना उसको कुछ इम्पोज करने की जरूरत है, ऐसा भी नहीं कि अगर मुझे नहीं दिख रहा तो मैं वहां पे कोई चित्र ले आऊं, कोई प्रतीक ले आऊं, कोई शब्द ले आऊं, कोई संकेत ले आऊं, उसकी भी जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही चल रहा है, आपको ही देखना है, आप ही दृष्टा है आप ही दृश्य है, इस रूप में अपनी कल्पनाशीलता को ऑब्जर्व करना है जी, इसको लेकर कोई शेयरिंग हो कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, तीन हैंड्स रेज हैं अभी जी, अभी बिल्कुल स्पष्ट है हाँ भैया भैया, मैं ये मेरा प्रश्न था कि जैसे जब मैं ध्यान में आंखें बंद करके ध्यान करती हूँ, तब तो फिर ऐसा लगता है जैसे कि मेरा खुद से ही संवाद चल रहा है। लेकिन जैसे कभी मैं, भैया ने बोला आंखें बंद करके वो 5 मिनट ध्यान वाली, 10 मिनट ध्यान वाली प्रक्रिया करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने जो चीजें दिख रही हैं उनका ध्यान बार बार आता है। वो जो जब मैं आंख बंद करके करती हूँ तो सिर्फ अपने पे ही ध्यान आता है, बाहर की चीजों का ज्यादा ध्यान
नहीं जाता है। तो इसमें फिर ये कौन सी चीजें करने की प्रैक्टिस ज्यादा रहेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमें आंखें खोल के ही सब चीजों को ऑब्जर्व करना है, तो फिर वो आंखें बंद करके करने का ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर आंखें खोल के, ये मेरा प्रश्न था भैया। आवश्यकता अनुसार आपका ध्यान जा पा रहा है तो अच्छी बात है, आंख खोल के चला जाए तो आंख खोल के कर लेंगे, आंख बंद करके चला जाए आंख बंद करके कर लेंगे, ये आपका चॉइस है। ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि तो आंखें बंद रखनी है, खुली रखनी है, अध खुली रखनी है, जैसे इतनी बात जैसे समझ रहे। जब आंखें खोलते हैं तो जो जो अगल बगल जो चीजें दिखाई देती हैं उनका अपने आप ध्यान जाता है, उनके बारे में ध्यान आता है, और जब आंखें बंद करके शांत कहीं बैठ के करो तो कम डिस्ट्रैक्शन होता है, ऐसा था। तो बंद कर ले फिर, अगर ऐसा है तो आंखें बंद कर ले, और जी आंखें भैया बंद करने से भयावह दृश्य दिखाई दे तो आंखें खोल ले, अपना चॉइस नहीं, है। आंखें बंद करके ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अरे ठीक है, तो आंखें बंद करके ऑब्जर्व कर ले, बढ़िया जी भैया जी, थैंक यू भैया, धन्यवाद। दीदी। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते दवा जा रही है भैया? जी, आ रही है। जी भैया, वही बात कर रहे थे कि जो सुख वाली बात है, सुख स्वभाव या प्रभाव, तो भैया अभी तो ये लगता था कि यहाँ सुख स्वभाव है, लेकिन अभी और अगर डेप्थ में जाके देखते हैं तो यही दिखता है कि भी बस प्रभाव के रूप में ही काम करते हैं। और जो एक बार पहले आपने बात की थी कि अपनी भागीदारी को देखें, भागीदारी को बढ़ाएं, तो इसको मैंने अभी कुछ समय में देखा कि भैया भागीदारी को अपनी जिम्मेदारी के रूप में भी स्वीकारना नहीं हो पाता है, तो इसलिए बहुत प्रभाव में होता है और उसकी वजह से भागीदारी पूरी नहीं हो पाती। तो सुख तो अभी प्रभाव के रूप में ही दिखता है, और कल्पनाशीलता में भैया जब देखते हैं तो अब थोड़ी स्थिति वैसी होगी, सारा विरोध दिखता है, जो अभी तक मान रखा था कि विरोध नहीं है, लेकिन बहुत सारा विरोध दिख रहा है, और वो विरोध विचलित कर देता है कभी कभी, हर एक चीज के प्रति विरोध है भैया, ये अब दिख रहा है इस समय। तो इसको बस धीरे धीरे उसी पे प्रयास कर रहे हैं, इतना था भैया। इसमें कोई इनपुट मेरे लिए हो तो आप पूछें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसको देख पाए, है ना। देखिए, लेयर बाय लेयर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो एक बार वो ठीक से दिख जाए और मूल्यांकित हो जाए तो आप पाएंगे कि आपके जीने में स्फूर्ति बढ़ जाएगी, गति बढ़ जाएगी, है ना। भागीदारी की स्वयं में गति बढ़ जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसको देख पा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम समान रूप से मौन रहते हैं, मतलब तो शेयरिंग में अभिव्यक्ति में कम विरोध को रखते हैं, बट अंदर अंदर बहुत सारा कुछ चलता रहता है ना, इनर करेंट्स के रूप में चलता रहता है, और उसको कई बार हम नहीं देख पाते, इग्नोर कर जाते हैं। तो दिखने लगे तो बहुत अच्छी बात है, फिर दिखने लगे तो उसके ऊपर काम करने लगेंगे। तो जी इसको तो देखिए, अल्टीमेटली समाधान तो देखना ही, और हम सबकी अपनी अपनी एक स्थिति है, हम सब का अपना अपना एक संस्कार है, कहीं किसी मुद्दे पे समाधान ही है, कहीं नहीं है, और जब तक संबंध स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे विरोध रहता ही है। जब तक व्यवस्था स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे कहीं ना कहीं अव्यवस्था का भाव रहता है, या व्यवस्था के प्रति शंकाएं बनी रहती हैं, तो ये है ही। जी इसको भैया, देख लें तभी निकल पाएंगे। जी बढ़िया बात है भैया। जी भैया, अभी ये भी ना माने कि आखिरी परत है अभी और जी परतें निकलेंगी, नहीं। जी देखिए, जी शंका, भय, विरोध, तो पहले तो विरोध दिखाई देगा, फिर विरोध के पीछे भय दिखाई देगा, भय के पीछे शंका दिखाई देगी। तो अगर विरोध जी देख रहे हैं तो अभी बहुत सारा भय दिखना बाकी है, क्योंकि जी विरोध भैया, तभी होता है जब पीछे कोई भय होता है। हम किसी के प्रति विरोध में क्यों आते हैं, कहीं मेरा नुकसान ना कर दे, कहीं ये ना कर दे तो मेरा क्या होगा, है ना, मेरा अहित हो जाएगा। तो बहुत सारा भय है अपने अंदर, और वो भय भी क्यों है, क्योंकि हमने या तो संबंध के प्रति शंका पाली हुई है, व्यवस्था के प्रति शंका पाली हुई है। जैसे चाहना पर शंका है, एक उदाहरण, या दूसरा, अगर ये मेरा कुछ अहित करेगा, मान शरीर का अहित कर देगा, तो उससे मेरा भी अहित हो जाएगा, है ना। अगर शरीर को मिटा देगा तो मैं भी मिट जाऊंगा, ये सब व्यवस्था के प्रति शंका है। तो जी अगर आप क्रम को देखें तो शंका, भय, विरोध, फिर विरोध से आगे चले गए अगर, तो उसमें प्रतिशोध, मात्सर्य, है ना, ये सब अपने में दिखाई देता है। तो अच्छी बात है, विरोध की परत तक पहुंच गया, विरोध के पीछे जाकर, और वो भी, है ना, पैरेलल बहुत सारी परतें होंगी, उसके पीछे जी भय दिखाई देगा, भय के पीछे शंका दिखाई देगी,
शंका का निवारण करना है। जी जी और भैया, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है जी कि उससे संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं अपने अंदर बस इतना देखना शुरू करूं कि क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूं, तो आपको ये जो इतना सारा समय लगता है विरोध के पीछे, भय भय के पीछे शंका को देखने का, इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि फिर इच्छा पुष्ट होने लगती है हमारी। जी हाँ, तो इसको देखना शुरू करें कि क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, इससे बहुत सारा समय बच जाएगा। जी भैया, मैं इसको आगे करता हूँ। बढ़िया भैया, जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया नमस्ते मेरी आवाज आ रही है? जी, स्पष्ट रूप से जी जी भैया, कैसे हैं आप? जी बढ़िया जी भैया, भैया मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे जब कल्पनाशीलता को देखने जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि कई सारे विचार तो चलते रहते हैं और वो समझ में भी आता है कि वो विचार क्यों चले, उसके पीछे का क्या कारण है, और उसके पीछे का भाव भी स्पष्ट हो पाता है। लेकिन कई बार जैसे बैठती हूँ कि कल्पनाशीलता को देखना है, अभी उसके लिए समय निकालना है, तो उसके लिए ना मुझे लगता है कि विचारों को लेकर आना पड़ता है कि मैं इस बात पे विचार करूं और फिर उसके प्रति देखूं। तो भैया मैं थोड़ा ये समझना चाह रही थी कि, और कई बार ऐसा होता है कि ब्लैंक रहता है काफी देर तक, कुछ नहीं, ऐसा लगता है ठीक है सब कुछ सहज रूप से चल रहा है, सब कुछ स्टेबिलिटी में है, कोई हलचल नहीं है और ठीक लग रहा है, तो इसको किस तरह से मतलब मैं देखूं भैया, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। जी। तो मेरी मेरा तो बात सुझाव पहुंची ये क्या कोई विचार आपको? को लेकर जी पहुंच गए। ये मेरा सुझाव तो ये है कि कोई विचार को लेकर ना आए। ये जो ब्लैंक दिख रहा है ना, जी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो उथल पुथल थी जिसके प्रति हम अवेयर नहीं थे, अभी वो नहीं है, या फिर उथल पुथल से हम कुछ अलग देखने का प्रयास कर रहे हैं। बट आप उसको कुछ भी इम्पोज ना करें, है ना। अगर ब्लैंक दिख रहा है तो इसको ब्लैंक के रूप में देखते रहें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जब 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में हमारा ऑब्जर्वेशन शार्प हो जाता है, तो आपको वो कल्पनाशीलता दिखने लगती है। कई बार आप कह भी नहीं पाते कि मेरी कल्पनाशीलता है, बट आप अपने में लौट के देखिए कि 2 क्षण पहले क्या चल रहा था मेरे अंदर। अच्छा, तो मेरा यहाँ ध्यान गया था। तो अगर कल्पनाशीलता नहीं दिख रही तो आप ये बस देखना शुरू करें कि मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है, कहीं तो जा रहा होगा, है जी भैया, ना। हो वही वो जो सकता अलग अलग विचार विचार चलते रहते हैं तो वो विचारों में शिफ्टिंग तो दिखती है कि हाँ अभी कॉलेज से रिलेटेड आ गया, अभी घर से रिलेटेड आ गया, अभी किसी फ्रेंड से रिलेटेड आ गया, और उसके पीछे के भाव भी समझ में आता है कि कुछ अच्छी चीज हो रही है तो उससे अच्छा फील आ रहा है, या कुछ बुरी चीज हो रही है तो उससे बुरा फील आ रहा है, भाव बिगड़ रहे हैं क्या। और कई बार जैसे वो अचानक से जैसे रैंडमली किसी टाइम तुरंत हो जाता है और किसी टाइम ऐसा लगता है कि कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा, सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ आराम से है, ऐसे तो नहीं समझ हाँ, आता भैया कि क्योंकि उसके लिए फिर अलग से विचार जानबूझ के लेकर आने हैं या उसको वैसे ही ब्लैंक छोड़ना है, क्या करना है उसके नहीं, लिए? जानबूझ के तो नहीं लेकर आना है। और वो भी जो ब्लैंक लग रहा है ना, आप उसको थोड़ा और फाइननेस से देखिए, और सूक्ष्मता आएगी तो वहां भी आपको दिखाई देगा कि कुछ चल रहा था। हाँ, इतना जरूर कि जब शिफ्टिंग हो रही है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो बीच में आपको लगता है कुछ ब्लैंक है, बट यदि आप उन दोनों के अंतर संबंध को देख पाएंगी तो वहां भी आपको भाव विचार दिखाई देगा। जी भैया, तो अभी यही से कोशिश शुरू करती करें, हूँ जो भैया। बात और करी थी ना, कल्पनाशीलता के बिंदु को देखें कहाँ कहाँ ध्यान जा रहा है। और आप चाहें तो एक लाइन डायग्राम सा बना लीजिए, एक बिंदु से दूसरा, दूसरे से तीसरा। जी ठीक है बढ़िया भैया, है जी, धन्यवाद भैया, धन्यवाद, नमस्ते भैया, चलिए। नमस्ते सभी को। जी भैया नमस्ते, नमस्ते सभी को नमस्ते। भैया आवाज आ रही है? जी, स्पष्ट रूप से अच्छा भैया, अभी ये जैसे ये अभ्यास जो चल रहा है वो पिछले काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन मैं अपने अभी आज का और कल का थोड़ा शेयर करूँगा। तो अभी क्या ऐसा अनुभव में आ रहा है कि जब देखने जाते हैं तो पहले तो आँख बंद ही कर लेते हैं अभ्यास के समय पे, और आँख बंद करके जब देखने आते हैं तो हमें कुछ दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। फिर उसके बाद में अभी ये अपने ध्यान गया कि ऐसा हो रहा है कि शायद कि अभी हमने पहले कुछ चल रहा है, अब हमने एक दूसरा काम दिया है देखने का, इस वजह से वो पहला काम रुक गया, अब देखने का काम शुरू हो गया। तो देखने का काम शुरू हो गया है तो इस वजह से शायद वो पहला वाला नहीं हो पा रहा है, ऐसा हुआ। फिर उसके बाद में ये वाली बात भी विचार में चली कि ऐसा मैं कर रहा हूँ, और वो विचार के बाद फिर ये भी दिखाई दिया कि इस पे फिर एक
ऐसा भी हो रहा है कि मैं अपने अंदर ही ये विचार चल रहा है कि ये वाला चीज मैं सामने रखूंगा, मतलब आपके सामने ये बात को रखूंगा, और वो बात में फिर वो एक जैसे ऑब्जर्वेशन को शब्द के रूप में कैसे फ्रेम करना है वो एक चला, तो मतलब वो चीज एक फिर उस पर ध्यान गया कि ये तो भविष्य में होने वाली घटना है, तो मैं भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ, तो वैसे कुछ चला भैया थोड़े टाइम के लिए, मतलब हर एक हर पल हर क्षण को तो नहीं ऑब्जर्व कर पाया, या फिर उसका मतलब इस तरीके से शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते, लेकिन ये इतना चीज दिखाई थी, ऐसा मुझे दिखा भैया। बढ़िया भैया, तो इसको ऑब्जर्व करते चले और इसे का अभ्यास बना ले। अभी तो हम लोग 5 मिनट बैठे, बट अभी दिन में जब भी समय मिले, और दिन में आप पाएंगे कि हमको है ना इधर उधर करते हुए घंटा 1.5 घंटा तो मिल ही जाता है, सारे काम करते हुए भी। जैसे आप अभी फॉर एग्जाम्पल कॉलेज जा रहे होंगे है ना, और यदि आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से किन्हीं के साथ जा रहे हैं तो बैठे बैठे अपने ऊपर ध्यान दे लेंगे, कहीं बैठे हैं कुर्सी पे बैठे बैठे अपने ऊपर ध्यान दे लेंगे, लेटे हैं सोने से पहले आप लेटे लेटे अपने ऊपर ध्यान दे लेंगे, तो ये जो बारीकी और बढ़ती जाएगी, जो गैप्स आ रहे हैं ऑब्जर्वेशन में ये कम होते जाएंगे। इसमें भैया एक चीज और दिखती है कि जैसे जब ये अभ्यास करने की बात आती है तब तो वो चीज ब्लैंक दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो चीज अभ्यास से बाहर आते हैं तो फिर ये दिखता है कि फिर वैसे ही जैसे नहीं होता है कि एक पहले एक काम दिया था, अब वो फिर दूसरा काम कल्पनाशीलता वाला फिर से आ गया, अब वो फिर से चलने शुरू हो गई है, ऐसा वाला दिखाई देता है। वही इसको मतलब आप कुछ अलग से, या तो अगर कल्पनाशीलता में लाने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा संभावना है कि ऐसा हो रहा है, तो हमको कोई कल्पनाशीलता में वस्तु लानी नहीं है, प्रयास पूर्वक जैसा है वैसा देखना है, बस सहज भाव से ला देखना नहीं, है। ला तो नहीं रहे भैया, मतलब जब जैसे इसको करने के बाद आँख खोलते हैं, आँख खोलने का जैसे अभी आपसे बात हो रही है या वो हो रही है, तो उस समय पे फिर से वो फिर से ऐसा लगता है कि वो वाली प्रोसेस फिर शुरू हो गई है कल्पनाशीलता वाली, पहले हाँ थोड़ी ठीक है देर ना, के लिए बंद करते चले कर दी। इसको, करते चले है ना, ये जी अभ्यास है, इसको करते चले, खुद ब खुद में आपको वो परिवर्तन दिखाई देने लगेगा, तो जी भैया जी, ऑब्जर्वेशन धन्यवाद और भैया शार्प हो रहा है और स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हाँ जी भैया जी, धन्यवाद भैया, धन्यवाद बढ़िया भैया, नमस्ते, जी भैया, नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। ये पूछना चाह रहे थे कि अभी जो आपने ध्यान दिलाया कि हम लोग जो कल्पनाशीलता में एक चीज पे ध्यान गया, फिर उसको चेंज किया दूसरे चीज, दूसरी घटना पे या दूसरे किसी बात पे ध्यान चला गया, तो वही मेरा प्रश्न था कि भैया ये कर तो हम ही रहे, तो ये हम क्यों ऐसा शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? जैसे माता पिता पर ध्यान गया, फिर दूसरा की कोई मान लीजिए बच्चे का ही कोई चीज आ गया, तो ऐसा, या फिर हमारे असाइनमेंट पे ध्यान चला गया, तो ये हम क्यों, ये पूछना चाह रहे हैं देखिए वो दो चीजें होती हैं, या तो हमको वहां सुख लगता है, जी। या फिर कोई अगर दुख लग रहा है तो वहां से हम बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो जी आप पाएंगे कि या तो हमारा कोई एस्पिरेशन रहता है या कोई कंसर्न रहता है। तो जैसे माता ऐसा पिता का ध्यान गया है ना, कोई जी चाहते हैं इसको लेकर ध्यान गया, कुछ ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, ये भी कारण हो सकता है ध्यान जाने का। तो बेसिकली जी हमारा जहां भी ध्यान जाता है, या तो वहां जाता है जहां हमको सुख लगता है, या जी वहां से हटता है जहां हमको दुख लगता है। जी तो भैया, तो यदि मान लीजिए हम लोग समाधानित हो जाएंगे, हमारे में सही समझ हो जाएगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी, तो क्या हमारा, हमारे कल्पनाशीलता में जैसा हम चाहेंगे वैसा ही चीज हम उसमें चलाएंगे, हमारा भाव स्थिर रहेगा, भाव स्थिर रहेगा? हाँ, बिल्कुल परंतु बाहर से जो संवेदना के माध्यम से सूचना आएगी वहां पर ध्यान जी, देंगे, और साथ हाँ में ही है ना अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था करके विचार करेंगे, उसके लिए जी कार्यक्रम निश्चित करेंगे, उसके लिए अलग जी अलग व्यक्तियों पर ध्यान जाएगा, अलग अलग योजनाओं कार्यक्रमों पर ध्यान जाएगा, बट अभी जो जी भगदड़ है वो नहीं रहेगी, सुखपूर्वक करेंगे जी उसको, एक निश्चित कार्यक्रम के रूप में करेंगे, अब भी जी अनिश्चितता के साथ करते हैं। जी और भैया ये एक चीज और जो आया था, तो उस वो भी काफी अभी इस सेशन में सहयोगी रहा है, कि 4 मई का था असाइनमेंट में, कि दूसरे से अनुकूल भाव या संवेदना हमें मिले, वो अनुकूल भाव मिले या सहज स्वीकृति पर आधारित है, या क्या हमने कोई शर्त लगा रखा है? तो जब इस चीज पर भैया ध्यान दिए ना, तो हर जगह एक शर्त लगाए हुए हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपके साथ एक चीज है कि भैया को हम जब भी कॉल करेंगे तो भैया हम मुझे समझा ही देंगे कोई बात, तो अब ये मान लीजिए आप एरोप्लेन में है और आपका मोबाइल एरोप्लेन मोड में है, या आप क्लास में है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो तब आप कहे तो क्या करेंगे, फिर हम आपसे झगड़ा कर लेंगे,
दुखी हो जाएंगे। तो ये चीज पर जब ध्यान दिया तो जहां हम कहते हैं ना भैया जो आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, वहां भी ये शर्त लगा, इस शर्त को जब हटा करके देखते हैं तो अपने में काफी वो ऐसा अच्छा लग रहा, आराम लग रहा है। जी, बढ़िया दीदी। तो जी भैया देखिए, शर्त का मतलब इतना ही है कि हम अपना भी राइट इवैल्यूएशन करेंगे, अगले का भी राइट इवैल्यूएशन करेंगे, जी अपना जी भी सही भैया करेंगे, अगले व्यक्ति का भी सही आकलन करेंगे। जैसे ना जी बिल्कुल बिल्कुल जी भैया एक ठीक है उदाहरण देते हैं भैया ना कि, है ना, जी हमने किसी को फोन किया और जी कहा कि आप शाम को 6 बजे हमारे घर आइएगा, ठीक जी है। जी जी अगले व्यक्ति नहीं सुन पाया, फिर हमने कहा कि, मैंने कहा कि शाम को 6 बजे घर आ जाइएगा, अगला व्यक्ति फिर भी नहीं सुना। हमने हाँ तीसरी बार कहा, वो अभी भी नहीं सुनता। अब हमको खीज आ गई, इतना हाँ हाँ जी गुस्सा हो गया, इरिटेट हो गया। अब क्या जी हमने अगले व्यक्ति से पहले पूछा कि आप कहाँ हो? बिल्कुल जैसे उसका रेलवे बिल्कुल स्टेशन पे है ना, चारों तरफ शोर है, वो बिल्कुल बीच बाजार में है, चारों तरफ शोर है कि नहीं? जी तो हमने बस पूछा और उसका रिस्पांस हमारे आशा के अनुरूप नहीं आया, तो हमको इरिटेशन हो गया, गुस्सा आ गया। बट यदि हम पहले जी दूसरे को देखने समझने का प्रयास करें, अगर हम फोन करें तो पूछ लें कि अभी आपसे बात हो सकती है कि नहीं, ठीक, अपनी बात रखें कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल। तो उसमें क्या होता है, फिर हम दूसरे को पहले ठीक से इवैल्यूएट कर लेते हैं कि दूसरा हमारी बात सुनने की स्थिति में है कि नहीं, दूसरे से बात हो सकती है कि नहीं, फिर जी अपनी बात रखते हैं। तो अगला सुन भी पाता है, रिस्पॉन्ड भी कर पाता है। किसी किसी को तो ये भी पूछ दीजिए आप कहाँ है, तो उस पर भी वो परेशान हो जाते हैं जैसा पूछा क्यों गया नहीं भाई, उसमें आप ये पूछ लीजिए कि अभी आपसे बात हो सकती है कि नहीं। बिल्कुल ये सही तरीका है जी। अब भैया जी यही आपसे अपेक्षा क्यों है कि भैया हमसे असत्य बात नहीं बोलेंगे, कोई बात छिपाएंगे नहीं। अब आप यदि पूरे दिन का हमको पल पल का खबर देने लगे तो आप अपना और काम कब करेंगे, तो ये गलत अपेक्षा है ना आपसे। ये सशर्त जो भैया से वो किए हुए, तो ये गलत है, यहाँ पर हम गलत है कि आप पूरे दिन का आप हिसाब हमको देते रहेंगे या जो जरूरी लगेगा वो बताएंगे जैसा जो स्थिति परिस्थिति। बिल्कुल, और जी ऐसा ही भैया हर संबंध में। हाँ, जी और देखिए, मुख्य काम तो इसमें कि हम समाधानित हो जाएं, बिल्कुल हमारे बिल्कुल ना कहीं समस्या भाव सुनिश्चित हो जाए। तो अब हम समाधान की अपेक्षा से फिर व्यवहार नहीं करेंगे, समाधानित होकर व्यवहार करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी भैया जी, मतलब सुखी होकर काम करेंगे ना कि सुखी होने के लिए करेंगे। जी बिल्कुल जी बिल्कुल भैया जी भैया ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को सुनने के लिए। नमस्ते भैया जी, सर सर, नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते। सर, ऑब्जर्वेशन में सबसे फर्स्ट बैच में तो मेरे को अपनी प्री कंडीशंस पता चली कि मेरे को किसी चीज का भय था, और भय में किस चीज का भय था, मरने का भय या फिर ऐसा भय कि ऐसा ना हो जाए और कुछ ऐसा ना हो जाए। तो उस भय से जब मैं थोड़ा सा अपने आप को निकाल पाई तो एक इच्छा तुष्टि का मेरे को बहुत ज्यादा पता चला कि हाँ मेरे में बहुत सारी इच्छाएं हैं। और अभी कुछ पिछले 10 दिन से ऐसा लग रहा है कि वो इच्छाओं के पीछे कुछ आशाएं थी मेरी, वो आशाओं को मैं ढूंढते हुए ऐसे ही मतलब कि जो अंदर में जो कंट्राडिक्शन है वो नजर आया। तो उसमें थोड़ा सा जी अपने आप को संधारित करने का कोशिश करा कि हाँ अब अपने आप में व्यवस्था बनाए रखनी है, उस अवस्था को स्थिर स्थिर नहीं भाई, ऐसी स्थिति को लेके आना जिसमें मेरे को जहाँ एक हैप्पीनेस की फीलिंग्स हो, उस सुख की फीलिंग्स को जब मैं समाधानित करने जाती हूँ तो फिर ऐसे लग रहा है कि हाँ ये तो इनेट नेचर ही था, हम लोग ही बहुत सारी अपनी इच्छाएं आशाएं रख के बैठे हुए थे। तो उससे अब जब अपने आप को समाधान नहीं देखती हूँ तो अपने आप की हाँ जी सर, जी सर हाँ आप बताइए। कुछ कह रहे थे। हाँ जी नहीं, तो हाँ, तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन मेरा सबसे एक 15-20 दिन पहले का ऑब्जर्वेशन था कि अचानक मैं मेरी रात में जब नींद खुलती है तो मैं कहा देखती हूँ आज मैं अपने आप को ऑब्जर्व करके कि क्या अंदर चल रहा है। तो सर उसमें मैंने देखा कि मार्च करते हुए सिपाही है, और कुछ ऐसा ही वर्ल्ड वार का कुछ सीन था और कुछ ऐसा, और मैंने मेरे कुछ जबरदस्ती नहीं करी और मैंने देखा कि वहां पर मैं मौजूद हूँ। और उस मार्च में उस फौजों में तो
तो मैं उस फौजों को चलते हुए देख रही हूँ और उनके साथ मार्च भी कर रही हूँ। तो सर यहाँ पर ये जो मैं अपने आप को देख पाई, ये क्या पिछली स्थिति थी या मेरी कोई प्री कंडीशन थी जो मेरे को ये नजर आए? और सांप बिना आंख बंद करे खुली आंख में मैं जब अपने आप को ऑब्जर्व कर रही हूँ तो इस चीज को मैं देख पा रही हूँ अपने आप को वहां पर। तो ये चीज कहाँ क्या थी ये मेरे को समझ नहीं आई। वही हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे कंसर्न्स बने रहते हैं, चिंताएं बनी रहती हैं, है ना। जी और हम अपने होने को लेकर कई बार आश्वस्त नहीं रहते हैं, अपने सुखी होने को लेकर आश्वस्त नहीं रहते हैं। तो बहुत सारे मुद्दों पर जी हमारा ध्यान भटकता रहता है, वैसे ही बहुत सारी चीजों पर जाता रहता है। वो पहले एक सीरियल आता था बहुत पहले, करीब 30 साल हो गए, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आपने देखा होगा शायद, है ना। वो यूट्यूब पे भी आजकल मिल जाता है। तो दिखाते हैं कि वो मुंगेरी लाल जो होता है वो एक दफ्तर में चपरासी होता है, और कुर्सी बैठे बैठे वो टेक ऑफ कर जाता है। फिर वो कोई भी एक सूचना सामने से आती है, कोई डॉक्टर से मिल गया तो अपने को डॉक्टर मान लेता है, कोई सिपाही से मिल गया तो अपने को सिपाही मान लेता है, कोई, है ना, लॉयर से मिल गया तो अपने को लॉयर मान लेता है, कोई साइंटिस्ट से मिल गया तो साइंटिस्ट मान अच्छा लेता है। तो एक टिपिकल एग्जाम्पल है, ये हम सबके साथ है ना। तो ऐसा होता है कि तो बाहर से कोई सूचना मेरे को आती ऐसा है लग रहा है कि उस टाइम मैं मुंगेरी लाल के सपनों में थी। सर जी सिचुएशन तो कुछ ऐसे ही लग रही है। वही तो, आपने तो यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में सुन लिया और आपको लगा कि अब मैं होती तो जिता ही देती, है ना, यूक्रेन को। जी हो सकता है कि वो कुछ ऐसे भाव रहे हो, पंजाबी जरा थोड़े से ऐसे इस तरीके के भावों में से होते हैं कि फटाफट कोई डिसीजन लिया, 2:30 बस बेकार खत्म। ही हाँ लूद कर रहे हैं हम तो, एक कदम रखते और देखिए, है ना, धरती हिल जाती तो। हाँ बिल्कुल सही सर, वो वहां पर मेरे को ऐसे लगा, अब बिल्कुल आपने सही करा कि वो पंजाबियों का भाव मेरे को वहां नजर आया होगा, वो प्री कंडीशन रही होगी मेरी। सही है, बिल्कुल जी सही जी सर। अब आप ही देखें उसको अपने आप में कैसा भाव। बट मैं कह रहा हूँ कि हमारे अंदर ये बहुत सारा कुछ बैठा हुआ रहता है ना, और उसमें हमको कहीं ना कहीं हाँ सुख लगता बिल्कुल सही बात सर। हाँ जी, है। वो कोई कुछ बैठा हुआ था, जैसे वहीं से मैंने मुंगेरी लाल का सपना देख लिया। जी वो फिल्मों में देखिए, तो एक एक्टर होता है, ठीक, और लोग को ऐसे उठाता है, पटकता है, जैसे रबड़ के पुतले हो, है ना, और हमको बड़े हाँ इंटरेस्ट देखते हैं, और और हमको सो लगता है कि अगर हम सिचुएशन में होते तो क्या हम ऐसा ही कर पाते, नहीं कर पाते। तो उसको देखकर हमको कहीं ना कहीं तृप्ति मिल रही होती कि हाँ ठीक कर रहा है, ऐसे ही करना चाहिए, मैं होता तो मैं भी ऐसे ही करता। अब वो बिल्कुल हमारे सही कहा। ऑपरेशन का भाग बन गया, हमारे कल्पना चिंता का भाग बन गया, तो ऐसा चलता रहता है मेरे अंदर। बिल्कुल सही है बढ़िया सर, बढ़िया, बिल्कुल 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 सही कहा सर आपने कि वो सिचुएशन ऐसी रही होगी और फिर मैंने अपने आप को उस मंगेरी लाल में अपने आप को फिट कर लिया होगा। राइट सर, नमस्ते सर। जी, नमस्ते। बढ़िया, इसको लोग ऑब्जर्व करें, इस पे काफी सारा काम है अपने पास करने के लिए। जी सर, जी नमस्ते सर, धन्यवाद सर। नमस्ते। तो दीदी अगली स्लाइड लगा लेते हैं। तो स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने के क्रम में पहले बात हुई कि जैसा वैसा देखना है, बिना रोकने बिना बदले पूरी कल्पनाशीलता को देखना है। अगर अपनी कल्पनाशीलता को देखने का काम सीधा सीधा नहीं हो पा रहा, तो प्रारंभ में विचार को देखने से काम शुरू कर सकते हैं। विचार देखने लगे तो उसके आधार पर जो इच्छा है, उसके आधार में जो इच्छा है उसे देखने का काम करें। अंततः पूरी कल्पनाशीलता को देखने का काम करना है। कल्पनाशीलता में चल रही इच्छा, विचार और आशा को देखने का प्रयास करें, विशेष रूप से अपने भाव, अपनी इच्छा पर फोकस करें। तो ये काम अपने को करना है, इसमें भी समय लग सकता है। ये आप पाएंगे कि ये एक सरल परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण काम है ना। और इसको अगर हम ठीक से कर पाएंगे तो आगे के स्टेप्स भी ज्यादा आसानी से हो पाएंगे। तो आगे के स्टेप्स पे काम करते हुए भी इस स्टेप को बनाए रखने की जरूरत होगी। तो सरल तो है परंतु काफी महत्वपूर्ण है। तो जैसे बात हो रहा था कि अगर आप पूरी कल्पनाशीलता को नहीं देख पा रहे, विचार को देखें, यहाँ मैं कहूंगा विचार को भी नहीं देख पा रहे, तो विचार किस मुद्दे पे जा रहा है उसको देखें, बिंदु को देख लें, जो कुछ उदाहरण आए। ये हमारा अगर यही पता लग गया कि कोई युद्ध की ओर ध्यान गया, युद्ध को लिख लें कहीं अपने आप में, लिख लें, है ना, अपनी स्मृति में, या फिर कॉपी पे लिख लें कि भी युद्ध की ओर ध्यान गया, फिर युद्ध में यहाँ ध्यान गया, फिर वहां ध्यान गया, एंड सो ऑन। तो कल्पनाशीलता कहाँ से कैसे कैसे जा रही है उसको देखें, फिर वहां जो विचार चल रहा है उसको देखें।
इसमें एक सामान्य सी चूक होती है कि हम विचारों में बह जाते हैं। कोई विचार चला है ना, और हमने वो पूरा उसको फैलाया अपने आप में कल्पनाशीलता में, वो ऐसा कर रहा था वैसा कर रहा था, उसने फिर ये कह दिया फिर वो कर दिया, फिर मैंने उन्हें कुछ कहा चुप रह गया, अब ऐसा होता तो मैं अगली बार जरूर कहूंगा है ना, उनसे जाकर शिकायत कर दूंगा। अब ये पूरा हम विचार में बहते जा रहे हैं, ये काम नहीं आएगा। तो विचार को देखें, फिर विचार के पीछे भाव को देखना है। तो कल्पनाशीलता के बिंदु को देखें यानी विचार के बिंदु को देखें, फिर विचार के पीछे भाव को देखें। तो विचार के बिंदु को देखा, फिर विचार को देखा, विचार के पीछे भाव को देखा, और इस तरह से हमने फिर अपने आप में इच्छा विचार आशा को ठीक से देखा। तो ये काम हम करें, और ये मैं कहता हूँ कि एक शोध कार्य है, ये अपने आप में किया जाने वाला शोध है, क्योंकि मैं अपनी स्थिति का आकलन ठीक ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ, अपने आप को जैसा है वैसा जांचने समझने का प्रयास कर रहा हूँ, और जो मेरे अंदर पोटेंशियल है जानने की उसको जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें मैं पूरा खंगालूंगा अपने आप को, अपने जीने को, अब तक जैसा मैंने जिया है, जैसा मैं आज के दिन जी रहा हूँ, जैसा आगे की जीने की मेरी योजना है, इन सबको मैं खंगाल के देखूंगा है ना, सबको बारीकी से ऑब्जर्व करूंगा। तो ये काम अपने को अभ्यास एक में करना है, अभ्यास दो में भी करेंगे है ना, अभ्यास एक और दो जुड़े ही हुए हैं, बिल्कुल अलग नहीं है, परंतु यहाँ पे हम जिस तरह से अपने भाव पे ध्यान दे रहे हैं, वहां पे हम संवेदना को देखते हुए इस चीज को देखने का प्रयास करेंगे, अल्टीमेटली वहां भी हम अपने भाव और संस्कार को ही देखेंगे। तो ये काम अपने को स्टेप वन में करना है कि हमें अभी बहना नहीं है विचारों में, कल्पनाशीलता में, बस उसको जैसा वैसा देखना है। कल्पनाशीलता ना दिखाई दे तो कल्पनाशीलता के बिंदु को देखेंगे या विचार के बिंदु को, फिर विचार को देखेंगे, फिर उसमें भाव को देखेंगे। स्टेप वन में मुख्य बात है कि भाव हमको दिख जाए, वो भाव पकड़ में आ जाए, जिसके आधार पर विचार चल रहा है, जिसके आधार पर हमारा आगे से कार्यक्रम चल रहा है, व्यवहार कार्य चल रहा है। तो इसको करते हुए आप अपनी इच्छा, अपने विचार, अपनी आशा को देख पाएंगे। और जैसा पहले भी हमने स्पष्ट किया था, तो इच्छा का मतलब हम कुछ होना चाहते हैं, अपने आप में, संबंधों में, भागीदारी में कुछ होना चाहते हैं। विचार का मतलब वो कैसे पूरा हो, इसके लिए हम विचार करते हैं, और कुछ हो जाए इसकी हम आशा रखते हैं, जैसा विचार किया वैसा हो जाए इसकी आशा रखते हैं, उसका आस्वादन लेने का प्रयास करते हैं। तो ये तीनों आपको जुड़े हुए दिखाई देंगे, जैसा भाव होता है वैसा विचार चलता है, जैसा विचार चलता है उसी के अनुरूप आशा बन जाती है। तो स्वयं में चल रहे कल्पनाशीलता को देखें, जैसा चल रहा है वैसा ही, बिना मूल्यांकन किए, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना उसको रोकने का प्रयास किए, बिना उसको बदलने का प्रयास किए हर क्षण, तो आप पाएंगे कि यह सरल परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, और इसको अपने को बनाए रखना है, इसको अपने को करते जाना है। और एक जर्नल जो लिखने की बात हुई थी, तो मुझे आशा आप सब लोगों ने अपना एक जर्नल तो बना लिया होगा, उसको हार्ड कॉपी में रखना चाहे हार्ड कॉपी में रखें, नहीं तो आजकल हमारे सबके पास स्मार्टफोन है, इसमें आप कुछ ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें आप डेली का ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, या फिर आप बोल के रिकॉर्ड करके अपने ऑब्जर्वेशन को लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ताकि आप उसको लौट के सुन पाएं, देख पाएं, या फिर कोई कंप्यूटर में वर्ड फाइल खोल लें, अपने ड्राइव पे रख लें, जहाँ पे आपको लगे कि आप है ना अपने आप में उसको रखेंगे। थोड़ा सा ये भी होता है कि जर्नल में आप जब पूरी तरह से अपने आप को लिखने जाते हैं, तो थोड़ा सा उसको एक इंश्योर करना जरूरी होता है कि हर कोई तक एक्सेसिबल ना हो, नहीं तो आप फिर खुल के लिख नहीं पाएंगे अपने बारे में, आपको लगे कि अगर मैं ये सब लिख दिया और किसी और ने पढ़ लिया तो संबंध प्रभावित हो सकता है। ठीक बात है, तो उसको आप अपने आप तक कैसे सीमित रखें, चाहे हार्ड कॉपी में लिख के रख लें या ड्राइव पे रख लें या अपने ऐप में स्टोर कर लें, आपकी बात है, पर उसको अगर जितना जितना करेंगे उतना आपको हेल्प करेगा। और आप जब इसको अभ्यास करते हुए आज से 5 साल बाद पढ़ेंगे, तो आपको अपने आप में परिमार्जन भी दिखाई देगा कि देखो कैसे मैं दूसरों से भाव पाने के लिए व्याकुल रहता था, अब मैं आराम में रहता हूँ। ये शिफ्ट आपको दिखाई देने लगे, पहले कैसे मैं इरिटेट होता था, अब मैं कैसे आराम में रहता हूँ, पहले कैसे मैं ललायित होता था बाहर की वस्तुओं के लिए, अब मैं आराम में रहता हूँ, तो आपको अपने आप में सब शिफ्ट भी दिखाई देने लगेगा। ये काम अपने को करना है, ये अभ्यास अपने को करना है स्टेप वन में। इसमें जो स्टेप वन में मुख्य बात है कि उसका मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं है, प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है, बस जैसा है वैसा ऑब्जर्व करने की जरूरत है ना? कुछ इस प्रकार से जैसे कि नदी बह रही हो और आप किनारे खड़े होकर देख रहे हैं, तो उसमें आपको नदी में बहना नहीं है, एक
शुद्ध दृष्टा के रूप में उसको देखना है अपने आप में जो कुछ चल रहा है। तो इस अभ्यास को आज हम लोग करेंगे, इसको लेकर ही हम लोग असाइनमेंट लेंगे। जी रोक लेते हैं, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते जी, सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद।